emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. था आपने किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमारे मंदिर द्वारा समर्थित और आयोजित दो कार्यक्रम, एक भागवत कथा जो कि 25 दिसंबर से चालू हो रही है, और एक हमारा साईं राम कथा जो कि राम जी की कथा स्वामी स्वतंत्रानंद जी सरस्वती जो कि हमारे ऋषिकेश जी वाले हैं उनके कर होगी, और आपका आप हमारे कानपुर से स्वामी जी आए हैं ये भागवत कथा कराएंगे दोनों। ये भागवत कथा सर कब है और कितने बजे से चालू है? ये भागवत 25 तारीख से चालू है और दोपहर में 3:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे। कहाँ पे होगा सर? ये एफ ब्लॉक में सेक्टर 40 में पार्क, और ये जो रामायण कथा होगी जो हमारे साईं मंदिर सेक्टर 40 के परिसर में ही होगी मैं मुख्य हाल में। साईं राम कथा 7 दिसंबर से शुरू हो रही है दोपहर के 2 बजे से लेकर, और दोपहर के 2 बजे से लेकर, एक सेकंड सर मैं पूछ रहा हूँ, सेक्टर 40 नोएडा द्वारा आयोजित श्री राम कथा साप्ताहिकी भक्त ज्ञान यज्ञ परमश दे स्वामी स्वतंत्रानंद सरस्वती जी ऋषिकेश द्वारा दिनांक 7/12/17 बृहस्पतिवार से दिनांक 13/12/17 तक अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक होना निश्चय हुआ है। राम कथा का जो पहला दिन है वो राम कथा का प्रथम दिन शिव पार्वती विवाह, शिव जी ने पार्वती को राम कथा सुनाई, सबसे पहले शिव जी ने राम कथा जो है ना पार्वती सुनाई थी। दूसरा दिन है राम जन्म के कारण, तीसरा है राम जी का जन्म, चौथा दिन केवट संवाद, पांचवा दिन है सबरी का प्रसंग एवं सीता हरण, छठा दिन है 9 प्रकार की भक्ति, सातवां दिन राम रावण युद्ध, लक्ष्मण शक्ति, लंका पर विजय, राम जी का राज्याभिषेक। इस तरीके से 7 दिनों के कथा का शीर्षक है। इसके बाद 14/12/17 को पूजन, सामूहिक हवन एवं 12:30 बजे महाभंडारा का होना निश्चय होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि कथा का प्रसंग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे भाई सभी भक्तगण श्रवण हेतु पधारे एवं धर्म लाभ प्राप्त। संस्कृति की ओर भारत हमारी भागवत प्रेरित करती है, हमारे धर्म की ओर हमको अग्रसर करती है कि हमारा धर्म और दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। हम अधिकार के लिए संसार में अपने संबंधियों से, परिवार से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हम कर्तव्य से अपने पीछे, हाँ, यदि हम अपने कर्तव्य पे अगर हम अग्रसर हो जाएं और कर्तव्य की ओर अगर हम ध्यान दे दें तो हमें अधिकार के लिए न लड़ना पड़ेगा, न झगड़ना पड़ेगा, न दौड़ना पड़ेगा, न खोजना पड़ेगा, अधिकार अपने आप प्राप्त होगा। लेकिन हमने अपने कर्तव्य को तो त्याग दिया है, कर्तव्य की ओर अपना नज़रअंदाज कर दिया और अधिकार की ओर भाग रहे हैं। आज संसार, आज जो हमारे आपके समाज में जो लड़ाई और झगड़े, जो विषमता, जो ये विरोधाभास है, केवल इसी का है। अगर हम अपने कर्तव्य की ओर अगर अग्रसर हो जाएं तो अधिकार तो अपने आप आ जाएगा।